हेलो गाइस, दिस इज आकाश शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू पोस्ट वीडियो रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बच्चों का ये जनरली डाउट होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को लेकर, तो मैं 5 पॉइंट्स आपको बता दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी बुक के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे और नीट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं सारे यहां पर आपको बता दूंगा। एक बार पॉइंट्स देख लेना है, 5 क्वेश्चंस देख लेना, सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये है 5 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट सबसे पहले देखना है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सेकेंड पॉइंट, अनचार्ज स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स। जितने भी अनचार्ज स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज स्ट्रक्चर से, लेकिन ये पॉइंट सेकंड नंबर पर देखना है। पहले स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड्स ही देखना है। थर्ड पॉइंट, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम शुड गेट पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम शुड गेट नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है वो ज्यादा बेटर है रेदर देन इलेक्ट्रो नेगेटिव, और इलेक्ट्रो नेगेटिव जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह पे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अच्छी बात है। फिर स्टेबिलिटी, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, अगर इन 3 पॉइंट से भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये 4th और 5वां पॉइंट देखना है, जो कि कहते हैं कि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, उस स्ट्रक्चर की ज्यादा होगी जिसमें अपोजिट चार्ज पास प्रेजेंट होंगे और सेम चार्ज दूर प्रेजेंट होंगे। यही है 4th और 5th पॉइंट। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखें, दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपस में। यहां पर हमें फर्स्ट पॉइंट देखना होगा सबसे पहले और उससे हमारा आंसर आ भी जाएगा। देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में एक पाई बॉन्ड है, इस वाले में 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस वाले को भी बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट कंसेप्ट से ही करना है। आप इसे पहले एक बार सॉल्व करके देख लें। इसमें भी ज्यादा यहां पर पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है, यहां पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब तीसरा देखें, इसे एक बार सॉल्व करके देखें। तीसरे में जो कंसेप्ट लगेगा वो ये है कि लाइक चार्जेस दूर प्रेजेंट होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस पास प्रेजेंट होने चाहिए। देखो, इस वाले में लाइक चार्जेस पास प्रेजेंट है, रिपल्शन होगा, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि यहां पर अनलाइक चार्जेस पास प्रेजेंट है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यही वाला होगा। इस वाले में देखें, यहां पर देखें तो दोनों में पाई बॉन्ड, सबसे पहले इसमें पाई बॉन्ड के बारे में देखें, पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड इस वाले में है, एक, फिर इसमें भी एक ही है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो 1 और 2 ज्यादा स्टेबल होने चाहिए थर्ड से। अब इन दोनों में कैसे देखें, तो यहां पे सेकंड पॉइंट लग जाएगा, अनचार्ज स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर्स, तो ये हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, और इन दोनों में पहले ही बता दिया था ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड्स नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक ये वाला भी अगर ऐड कर दें तो इस वाले को भी देखें, इसमें भी पाई बॉन्ड्स नहीं है तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होने चाहिए। इन दोनों में अगर देखा जाए तो हमें ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। देखें इधर, ये पॉजिटिव है, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये कम स्टेबल होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। अब ये वाला देखें, करें से ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बल्कि ये तो लुईस स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये तो गलत है, 5 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, यहां पर 3 और 2 5, गलत स्ट्रक्चर है ये। अगला देखें, कंसेप्ट देखना पड़ेगा पाई बॉन्ड्स वाला, तो तीनों में तीन पाई है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, अनचार्ज स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पहला ज्यादा स्टेबल है। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि भाई दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज लग रहा है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है,
लेकिन इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेट चार्ज जीरो आ रहा है, दूसरा ज्यादा स्टेबल हो जाए। इस वाले क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले पाई बॉन्ड देखें तो सब में बराबर ही पाई बॉन्ड्स हैं, ऐसे डिसाइड नहीं होगा। दूसरा वाला पॉइंट देखें, अनचार्ज स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर, ऐसा देखने पर पहला वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी देखने के लिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपोजिट चार्जेस पास पास इसमें प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल है, और ये इसमें दूर दूर प्रेजेंट है, कम स्टेबल है, तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चार इसमें ऑप्शन, ये देखें जरा कैसे होगा। सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में दो पाई बॉन्ड है, अगले में भी दो पाई बॉन्ड है, इसमें भी दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो इससे इतना तो पता चल गया पहले तीन ज्यादा स्टेबल हैं चौथे से। अब इसमें देखना होगा भाई, चौथा सबसे पीछे आएगा, चौथा पहले तीन में देखना होगा। पहला वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये अनचार्ज स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। दूसरे में देखें और तीसरे में अगर कंपैरिजन करें तो इसमें अपोजिट चार्जेस पास पास प्रेजेंट है, इसमें अपोजिट चार्जेस दूर दूर प्रेजेंट है, इसका मतलब सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, थर्ड कम स्टेबल होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें एक नया पॉइंट और पता चलेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें ये चौथा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फोर्थ। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में फिर से पुराने वही पॉइंट, फर्स्ट वाला अनचार्ज स्ट्रक्चर है, अनचार्ज स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में अगर आप देखें तो अब सेकंड और थर्ड में देखें तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव प्रेजेंट है, यहां पर भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव प्रेजेंट है,